जस्ट ये मैं छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ और ये मेरे पास एक कमेंट आया था। वैसे पता तो सबको होता ही है कि उस बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता ही क्यों है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते ही क्यों है। तो देखो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली होता है, एम्प्लॉय का पास चेक किया जाता है कि आप पास में कैसे रहे हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है, या फिर आप ऐसा तो नहीं है आप किसी बाहर कंट्री से आके यहाँ पे आके जॉब कर रहे हो, फिर पता चले कंपनी को आगे जाके किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचाओ, कोई एसेट चुरा लो या कंपनी को पता चले ख़त्म ही कर दो। तो मतलब ऐसी चीज़ें ना हो, मेन रीज़न तो ये होता है। और जो आपका एक्सपीरियंस का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता है, तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप प्रीवियस कंपनी में वर्किंग थे कि नहीं थे, आपको उतना एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप उतना सैलरी देने लायक हो कि नहीं हो। तो इस वजह से ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है आपकी प्रीवियस कंपनी का। और बाकी जो आपका जो आधार पैन और पासपोर्ट वगैरह, फिजिकल वेरिफिकेशन और जो थाने वगैरह का वेरिफिकेशन होता है, तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप ऐसा तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं है कहीं क्रिमिनल तो नहीं हो या किसी दूसरे कंट्री के तो नहीं हो, आप इंडिया में ही रहते हो, बचपन से कहाँ रहते हो। तो आपका एक तरीके से क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरा निकालते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि अगर कल को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है किसी भी कंपनी में, तो वो आप तो जाओगे ही अंदर, प्लस में उस कंपनी वो कंपनी भी बंद हो जाएगी। मान लो कोई बंदा बाहर से आया, मान लो किसी ऐसी कंट्री से जहाँ से भारत की दुश्मनी चल रही है, कुछ और भी प्रॉब्लम है भारत के साथ इंटरनली, तो बंदा वहाँ से आया और किसी एक एमएनसी कंपनी में जाके वहाँ जॉब करने लगा, और उस एमएनसी कंपनी में उस लोकेशन पे मान लो 14,000 या 15,000 की सेटिंग है। तो जब एम्प्लॉय पे भरोसा हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक कंपनी वाले जब आप अंदर जाते हो, बाहर आते हो बैग लेके, तो वो सारी चीज़ें चेक करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि गेट पे बार बार वो चेक हो, ये सारी कंपनी रूल फॉलो नहीं करती हैं। तो क्या हो जाता है कि पता नहीं आप बैग में क्या रख के अंदर जा रहे हो और अंदर जाके उस कंपनी में आप ब्लास्ट कर दे रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो वो फ्यूचर सोच के आपका पूरा प्रीवियस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराते हैं। और अगर वहाँ पे मान लो 10-12 हज़ार, 14 हज़ार, 15 हज़ार की सेटिंग है, तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी के ऑनर को लेनी होगी कि ये किस वजह से हुआ।